शान जिशान का यूं फ्रॉम पीटीवी न्यूज़। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान इस वक्त 5वें नंबर पर है, बांग्लादेश 8वें नंबर पर है, तो ऑब्वियसली थोड़ी लाइटर टीम है और पाकिस्तान को 2-0 से ही सीरीज जीतनी चाहिए। जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उनमें कुछ प्लेयर्स की वापसी भी हुई है, तो ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसमें आपकी कितनी ज़्यादा मुशावरत थी और कौन सा कोई ऐसा प्लेयर है जो आपके कहने पर स्क्वाड में रखा गया? देखें, ये एक आई पर्सनली फील जो सिलेक्शन होती है उसमें ऑब्वियसली पूरी कमेटी होती है, मेम्बरान होते हैं और डिस्कशन होती है, और ये एक डिस्कशन नहीं होती। आई थिंक ओवर द कोर्स, मैं जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ था पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप, जो प्रीवियस सिलेक्शन कमेटी थी, हमने तब से इस सीरीज़ की हमने मीटिंग शुरू कर दी थी। तो आई थिंक उस चीज़ को थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए कि PCB के जो भी अपॉइंटेड इनिशिएटिव था कि 3 महीने पहले आपने प्लानिंग शुरू कर दी, वो एक अच्छी चीज़ थी। चीज़ें आइडेंटिफाई की, शाहीन्स का टूर आइडेंटिफाई किया, और देखें जब आपस में एक टीम बैठती है, मशावरत होती है, तो एट द एंड ऑफ द डे एक यूनानिमस कंसेंसस होता है। कभी 3 लोग किसी प्लेयर पे कहते हैं कि अच्छा ये हमें इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होगा, कभी वो। लेकिन मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है सिलेक्शन में, मैंने 2 सिलेक्शन मतलब टीम सेलेक्ट की हैं, अनफॉर्चुनेटली इनफ दोनों में वही चीज़ हुई है कि जो ऑलमोस्ट जो आपने टीम जो आप चाहते हैं, जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बेस्ट स्क्वाड होगा, वही चीज़ मिली है। तो इसमें काफ़ी फैसिलिटेशन मिली है सिलेक्टर्स से, क्रिकेट बोर्ड से, और इस वक्त काफ़ी खुश हैं। हमने कोशिश ये की कि बांग्लादेश की कंडीशंस देखते हुए, लोगों की फॉर्म देखते हुए, प्लस ये देखते हुए कि हम 1-2 अगर एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकते हैं, क्योंकि देखें कभी भी आप 17 का स्क्वाड नहीं ले सकते, आपको 25 या 30 प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ये जो क्रिकेट है अब इसमें कुछ लोग 30s में आ गए, कुछ लोग बिल्कुल यंग हैं, तो आपने देखना है किसने पाकिस्तान को कितना ज़्यादा सर्व करना है, किसने पाकिस्तान को इस मौके पर सर्व करना है। कभी कभार आपको एक इमरजेंसी में एक प्लेयर की ज़रूरत हो सकती है कि भाई हमें इस वक्त एक्सपीरियंस चाहिए, इस वक्त हम नए लड़के को नहीं खिला सकते, कभी आपको मौका मिलता है कि आप किसी को ग्रूम कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रही है कि सारे हमने फैसेट्स देखें, सारे हमने ब्लॉक्स देखें, और हमने कोशिश की है कि हम किस तरीके से एक अच्छा स्क्वाड बना सकें। और देखें, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, और हमेशा कहते हैं कि कोई भी स्क्वाड परफेक्ट नहीं होता, बट कोशिश यही होगी कि जो भी पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम सिलेक्शन करते रहेंगे।